तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों मेरा नाम संजय है। तो आज का वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे आपका रिमोट सही है कि नहीं आप चेक करोगे। अगर रिमोट काम नहीं आ रहा हो, सेटअप बॉक्स का हो चाहे टीवी का हो, किसी चीज़ का भी रिमोट हो तो सही काम नहीं आ रहा है, तो उसे कैसे आप चेक करोगे रिमोट सही है कि नहीं। तो इसके लिए चाहिए दोस्तों एक कोई भी मोबाइल हो, मोबाइल का कैमरा को ऑन करना है। तो मैंने देखे नीचे एक मोबाइल का कैमरा को ऑन कर दिया, तो प्रोसीजर बता रहा हूँ कैसे मोबाइल के नीचे रिमोट को यूँ पकड़ना है और उसका लाइट को चेक करना है। तो ऐसे करेंगे चेक, तो मैं कर लेता हूँ, करके आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। किसी चीज़ का भी रिमोट हो तो सही काम नहीं आ रहा है, तो उसे कैसे आप चेक करोगे रिमोट सही है कि नहीं। तो मान लो कि कभी बच्चों का हाथ से गिर गया और रिमोट इसके बाद काम नहीं आ रहा है, तो ये रिमोट सही है कि नहीं पहले कैसे चेक करोगे, इससे जुड़ा हुआ यह वीडियो। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक बार बैटरी को चेक कर लेना है, रिमोट में बैटरी सही प्लेस से है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ मेरा बैटरी सही है, फिर भी एक बार ऐसे करके चेक कर लेंगे। फिर इस रिमोट में यहाँ पे देखिएगा एक खाली अक्सर तो दिखाई नहीं देगा, सेंसर लाइट होता है जो अंदर, ये देखिए कोई भी बटन को प्रेस करो लेकिन ये आपको जो ब्लिंग हो रहा है लाइट ये जलना है। तो आमतौर पर आजकल का DTH के रिमोट में कुछ ऐसे ऊपर लाइट होता है, एक्चुअली ये मैटर नहीं करता, मैटर होता है आपका ये अंदर वाला लाइट जो है सेंसर लाइट वो जल रहा है कि नहीं सही। देखिए यहाँ पे दो लाइट जल रहा है, तो ऊपर का तो वैसे ही जल रहा है बट अंदर का जो सेंसर लाइट ये जल रहा है कि नहीं ये देखना सबसे ज़रूरी है। तो देखिए ये जल रहा है, इसका मतलब आपका रिमोट बिल्कुल सही है। तो अगर ये लाइट सही ना जले तो आपका रिमोट में कुछ बैटरी डिस्प्लेस हुआ हो या फिर कुछ और ख़राबी हुआ होगा। तो मैं ये दूसरे वाले में देख लेता हूँ एक बार। तो इसका देखिए मैंने बैटरी नहीं लगा हुआ है, इसमें बैटरी बिल्कुल नहीं है। तो इस पर देखिए ये जो लाइट है ये नहीं आएगा बिल्कुल। तो इस पर एक बार बैटरी जोड़ लेता हूँ। अभी फ़िलहाल एक बार देख लेते हैं इस सही है कि देखिए इस पर भी लाइट आ रहा है मेरा। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जो लाइट का पोजीशन बिगड़ जाता है तो बिल्कुल काम नहीं आता सही ढंग से। तो इसका पोजीशन सही करना है, रिमोट हाथ से गिरने की वजह से इधर से उधर हो जाता है पोजीशन, तो ये भी सही काम नहीं करेगा। एकदम रिमोट सामने लेके काम करो तो करेगा वरना नहीं करेगा। तो इस लाइट का पोजीशन को बिल्कुल सही करना है यहाँ पे। तो ये वाला रिमोट को भी हमने चेक कर लिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो कोई भी मोबाइल का, मोबाइल को आप ऑन कर लो, ऑन करके इस पर भी वही है। तो मैं जो फ़िलहाल दिखा रहा हूँ आपको ये कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ, मोबाइल का कैमरा ऑन करके इस पर भी देखिए लाइट आ रहा है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि अपना किसी भी मोबाइल फ़ोन के कैमरे से आप चेक कर सकते हो का रिमोट सही है कि नहीं या फिर ख़राब हो चुका है। तो वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।